हेलो फ्रेंड्स, समर्स आर हियर। गर्मियों में हमें अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी से इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लॉस होने लगते हैं। डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए एवरीबडी सजेस्ट टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, और अपने आप को हाइड्रेट रखते रखते आप प्लेन पानी पी कर बोर हो गए हैं। तो आज मैं बात करूंगी कुछ हेल्दी समर ड्रिंक्स के बारे में, जिनको पीने से आप ना सिर्फ हाइड्रेट रहेंगे, साथ ही गर्मी की तपश को भी आसानी से दूर कर सकेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन पोजीशन पे है नींबू पानी, शिगिया शिकंजवी, हमारा देसी कोल्ड ड्रिंक। ये बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और पेट भी सेट रखता है। विटामिन सी का ये सुपर सोर्स है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस एक ठंडा ग्लास पानी लें, उसमें एक नींबू का रस डाल दें और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा काला नमक। जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स एंड योर लाजवाब ड्रिंक इज रेडी। नंबर टू पे है सत्तू ड्रिंक। इसे स्टमक कूलेंट भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जौ के सत्तू में 11 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है दूध से। तो जिनको जॉइंट्स पेन हो, बोन्स की डीमिनरलाइजेशन हो रही हो, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये किडनी डिजीज़ के लिए और यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए देखें इसे कैसे बनाएं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें सत्तू को रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट। इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, इसमें से किचकिच की आवाज़ें ना आने लगें। आप देख सकते हैं इसमें से अब आवाज़ें आने लगी हैं और ये हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसे हम ठंडा होने पर ग्राइंड करेंगे। सत्तू ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये कुछ इस तरह से हो रहे हैं, अब हम इनको छान लेंगे। हमारा जौ का सत्तू का पाउडर तैयार है। सत्तू का ड्रिंक बनाने के लिए हम लेंगे एक ग्लास ठंडा पानी, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच सत्तू पाउडर जो हमने बनाया, हल्का सा भुना हुआ जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। इसे अच्छे से स्टर करना है। इट्स रेडी। नंबर 3 पे है साडी पंजाबियों की लस्सी। लस्सी या छाछ गर्मियों में अमृत का काम करती है। इससे डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसे आप दोनों मील्स के बीच में मिड मॉर्निंग के टाइमिंग पे ले सकते हैं, उस पे ये बेस्ट काम करता है। आइए देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दही, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, 1 गिलास 1/2 गिलास ठंडा पानी, काला नमक, रोस्टेड जीरा और कुछ पुदीने के पत्ते। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। आप चाहे तो जीरा और नमक ऊपर से भी डाल सकते हैं। बनने के बाद, ग्राइंड होने के बाद, अब हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। हमारी रिफ्रेशिंग पुदीना छाछ तैयार है। आप चाहे तो इसमें रोस्टेड हींग भी डाल सकते हैं, और ठंडा करने के लिए इसे आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए आप अगर मीठी बनानी चाहे तो मीठी लस्सी बना सकते हैं शक्कर डालकर। नेक्स्ट है हमारा चिया फ्रेस्का। ये सुनने में बड़ा फैंसी है, बट इसे बनाना बहुत ही ईजी है। चिया सीड्स आर लोडेड विद कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन,
पोटाशियम एंड दे वेरी रिच इन फाइबर. ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है. तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं. ये रहे मेरे सोक्ड चिया सीड्स. इनको मैंने तकरीबन एक घंटा पहले सोक किया था. तो आप देख सकते हैं ये थोड़े गमी से हो गए हैं. इसमें भी हम डालेंगे एक नींबू का रस या दो टीस्पून. साथ में डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और मिक्स करेंगे. हमारा चिया फ्रेश का रेडी. नंबर 5 है आम का पन्ना. इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती. ये विटामिन सी से रिच है. इसे बनाना भी बहुत इजी है. आइए देखते हैं इसकी रेसिपी. पल्प ठंडे हो चुकी है. अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे. यहाँ पे हमने, ये बहुत खट्टा होता है इसलिए हम इसे शक्कर डालेंगे. अबाउट हाफ अ कटोरी. तकरीबन एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून जीरा का पाउडर. साथ ही मैं डाल दूँगी कुछ पुदीने के पत्ते. आप चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं बनने के बाद. अब हम इसको ग्राइंड करेंगे. ये कुछ ऐसा थिक कॉन्सेंट्रेट तैयार हो जाएगा. ये आप लेंगे ग्लास में. ऊपर से डाल देंगे पानी. गिव इट अ नाइस मिक्स. हमारा रिफ्रेशिंग आम पन्ना तैयार है. नेक्स्ट है वाटरमेलन स्लश. वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जो हमारी किडनीज को डिटॉक्सिफाई करता है. ये हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कैंसर और डायबिटीज से बचाता है. ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है. तो आइए देखिए इसकी रेसिपी. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल वाटरमेलन, पुदीने के पत्ते, काला नमक और नींबू का रस. इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर के जार में डाल लेंगे. कुछ पुदीने के पत्ते, नमक और नींबू का रस. पहले हम इसे बिना पानी के ही ब्लेंड करेंगे. बाद में आइस क्यूब्स डालकर फिर से इसका स्लश बनाएंगे. हमारा वाटरमेलन स्लश रेडी है. इन सब ड्रिंक्स के अलावा आप नारियल पानी पी सकते हो, गन्ने का रस पी सकते हो, दूध में गूंद कतीरा डालकर पी सकते हो, बेल का जूस पी सकते हो. ये सारे ड्रिंक्स आप आराम से ले सकते हो. समर्स को एंजॉय करो, चिल करो. हैप्पी समर्स एवरीवन.